नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ युवाओं ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, जहां महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं रही। ग्रामीण अंचल के गाँव भिडुकी में लगाए गए रक्तदान शिविर में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का जोश व उत्साह देखते ही बन रहा था। गाँव भिडुकी के SJD जिम द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने के लिए जिम संचालक दुष्यंत सिंह ने डॉक्टर अशोक कुमार के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार किया और सभी युवाओं को इस शिविर के लिए अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए प्रेरित किया। शिविर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि आज युवाओं में सामाजिक परिवर्तन लाने का समय है। उन्होंने कहा कि आप जैसे युवाओं के समाज सेवा में आने के बाद कोई भी काम आसानी से सफल हो जाता है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किया गया रक्तदान घायल और बीमार लोगों को जीवन दान देता है। जिम संचालक दुष्यंत सिंह ने कहा कि युवाओं को सामाजिक कार्यों में एकत्रित होकर भाग लेना चाहिए। रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा परोपकार है। सर, मेरा अपना क्लिनिक है, भाई की अपनी जिम है। हम यहाँ हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं टाइम टाइम पर, जिससे कि लोगों में जो ब्लड की कमी है उनको ब्लड टाइम पे मिलता रहे। इसके अलावा आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं से सर यही कहना है कि ये जो ब्लड है ये किसी केमिकल से नहीं बनता, किसी दवाई से नहीं बनता। ये तो बंदा देता है तो दूसरे को बंदे को मिलता है। हमारा यही कहना है लोगों से कि जिनमें है ब्लड जो देने के लिए लायक है उन्हें बढ़ चढ़ करके ऐसे किसी भी रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए। ऐसे समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान दे जाना चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।